अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। आदिलाबाद जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खातून टीचर हलाक हो गई। यह हादसा सुबह 9:30 बजे जैननाथ पुलिस स्टेशन के हुदूद में भवराज चेक पोस्ट के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। मतूफी मोटरसाइकिल पर गेमा स्कूल में ड्यूटी अंजाम देने के लिए जा रही थी कि भवराज चेक पोस्ट के करीब एक लारी ने उनकी मोपेड गाड़ी को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही खातून टीचर की मौत हो गई। इस हादसे के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। DSP आदिलाबाद जाए वकूफ का दौरा किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के अरकान की अराजी पर किसी ने कब्जे की कोशिश की। जिले चित्तूर नारावे अरी पल्ली में वाकई तेलुगुदेशम सरबरा के भाई नाराराम मूर्ति नायडू के नाम प्रिया अराजी है। 1989 में साबिक चीफ मिनिस्टर के वालिद ने यह अराजी खरीदी थी। उन्होंने ये अराजी चंद्रबाबू नायडू और उनके भाई को तकसीम की थी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने हिस्से की अराजी हॉस्पिटल और कल्याण मंडप के लिए दी थी। उनके भाई की अराजी पर किसी ने फेंसिंग कर दी। मालूम हुआ है कि यह अराजी रामपूर्ति नायडू के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने इसका ऑनलाइन इंद्राज नहीं करवाया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के लिए रियासती खजाने के गलत इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। शब्बीर अली ने एक सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने यानी टिम्बरीज ने 16 फरवरी को हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें तमाम स्कूलों के प्रिंसिपलों से कहा गया है कि वो चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद करें। हर स्कूल को 10,000 रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे स्कूलों में मिठाई की तकसीम, तफरीही खेल और अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की जाए। उन स्कूलों से कहा गया कि वो तेलंगाना की तश्कील में चीफ मिनिस्टर KCR के किरदार और मिशन भागीरथा, प्ले प्रगति, कालेश्वरम लिफ्ट एरुगेशन प्रोजेक्ट और दिगर फलाही स्कीमात के इकदाम पर तबादला ख्याल करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद करें। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह मनाने के लिए रियासती खजाने से खर्च की गई रकम अवामी पैसे का खुलेआम गलत इस्तेमाल है। रियासत तेलंगाना के जिले मिर्चल में एक बैंक मैनेजर की जानिब से कस्टमर्स का 9 किलो सोना किसी और बैंक में रहन रखकर इससे हासिल रकम जुए में हार जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक नागरम में वाक़ IIFL गोल्ड लोन ब्रांच मैनेजर राजकुमार ने यहां ग्राहकों की जानिब से रहन रखाया गया सोना रहन रखकर रकम हासिल की और वो ये रकम जुए ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में हार गया। अंदाजा लगाया जाता है कि इसने करीब 4,33,00,000 का सोना रहन रख दिया था। इसका भांडा उस वक्त फूटा जब ग्राहक रहन रखा हुआ सोना छुड़ाने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। हिजाब तनाजा अब आंध्र प्रदेश में भी पैदा होने लगा है, जहां विजयवाड़ा के खानगी कॉलेज में 2 बुरखापोश तालिबात को दाखिले से रोक दिया गया। तहम सरकारी हुकाम की मदाखलत के बाद इन्हें कॉलेज में दाखिला दे दिया गया। आंध्रा लोयला कॉलेज में 2 लड़कियों को दाखिले से रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। BSc फाइनल ईयर की तालिबात ने दावा किया कि वो हमेशा से बुरखा पहनकर कॉलेज जाती हैं, लेकिन इन्हें कभी रोका नहीं गया। तालिबात को क्लासेस में दाखिला न दिए जाने पर उनके वालिदैन और कुछ सरबराह और 2 अफराद वहां पहुंच गए। पुलिस भी कॉलेज पर पहुंच गई और कॉलेज प्रिंसिपल, वालिदैन और मुस्लिम कायदीन से बातचीत की गई। तालिबात ने बुरखा पहनते हुए अपने शनाख्ती कार्ड भी दिखाए और सवाल किया कि अब यह मसला क्यों पैदा किया जा रहा है। करना जिले कलेक्टर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने कॉलेज इंतजामिया को क्लासेस में दाखिले की हिदायत दी। कॉलेज प्रिंसिपल किश्वर ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर की हिदायत पर तालिबात को दाखिला दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सालगिरह के मौके पर यूं तो कई कौमी कायदीन की जानिब से मुबारकबादी के पैगाम वसूल हुए हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से है, लेकिन इस सालगिरह में एक गैर मुतवक्को पैगाम मुबारकबाद मौसूल हुआ, जिस पर खुद TRS हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। किसी चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुबारकबाद देना एक रस्म है, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने KCR को ट्विटर पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तेलंगाना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों और आम जलसों में राहुल गांधी के खिलाफ रिमार्क्स पर चीफ मिनिस्टर आसाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि आसाम में चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दस्तूर से मुतालिक उनके बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया।
तेलंगाना के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के क्याम को यकीनी बनाने के लिए इकदाम का आगाज हो चुका है। इम्कान है कि मेडिकल कॉलेजेस के क्याम के मुतालिक सिफारिशात बजट में पेश की जाएंगी और बजट की तैयारी में फंड्स मुख्तस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी से पहले सिफारिश के लिए महकमे जाती इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया और बजट में कॉलेजेस के क्याम को यकीनी बनाने और गुंजाइश पर भी बात होनी है और कॉलेजेस के क्याम से मुताल्लिक तकरीबन फैसला कर लिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम से तेलंगाना मेडिकल शोबे में एक और मिसाली संगमील को अबूर करने वाली रियासत बन जाएगी, जहां फार्मासिटी फार्मा हब के बाद हर लिहाज से मेडिकल शोबे में मुस्तहकम इकदाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में फिलहाल उस्मानिया, गांधी, काकतिया, सिद्दीपेट, महबूबनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, निजामाबाद, आदिलाबाद, रिम्स कॉलेजेस हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज हल्की कशीदगी फैल गई क्योंकि तलबा की दो तंजीमों के कारकुन मुतसादिम हो गए और पुलिस को बीच बचाव करके बास तलबा को हिरासत में लेना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों ने एनआर हॉस्टल के करीब उनका पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसमें टीआरएस तलबा तंजीम कारकुनों की जानिब से रुकावट पैदा की गई। इस मौके पर पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। टीआरएस वी कारकुनों ने बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों का ताकुब किया और उन पर हमला की कोशिश की। तहम पुलिस ने बीच बचाव करके बहुजन तंजीम के कारकुनों को हिरासत में ले लिया और टीआरएसवी के कारकुनों के जज्बात को सर्द किया। बहुजन तलबा तंजीम के कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकारी अराजियात के फरोख्त को हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि वो टेंडर और ई ऑक्शन तरीक़ेकार के जरिए अराजियात को फरोख्त करने की कार्रवाई करे। अदालत ने वाज़ह किया कि सरकारी अराजियात के फरोख्त के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालिफत नहीं की जा सकती। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के हदूद में कोकापेट और खानमपेट के अराजियात के फरोख्त के लिए गुज़िश्ता साल सितंबर में हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के मुंतखब रुकन कानून साज कौंसिल सविंद्राया राजू ने हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने अपने चैम्बर में उनको हलफ दिलाया। राजू ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर रियासती वजरा के तारक रामाराव, सभी तरह इंदिरा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली के अलावा टीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। इन तमाम ने राजू को मुबारकबाद पेश करते हुए उनको तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।